पूजा, हम तोहरा के समझौले रही ना कि इस समय पे अपन ध्यान रखिया, तू कोनो भारी सामान उठौले रहलू का? फिर जरूर कुछ खान पान में गड़बड़ भेल है, तो हमरा के ई बतावा कल सुबह से शाम तक में तू का खेले रहलू? सुबह नाश्ता में इनके संगे आलू के पराठा खैनी, फिर इनकरा गेला के बाद शालू आ गए तो शालू आए रहे? हाँ, फिर हम ओकरा संगे चाय पियली और वो फिर चल गई। वो काहे आई रहे? का काम रहे ओकरा? वो ऐसे ही आए रहे हमने से मिले खातिर। वो परसों हमरे पास भी आए रहे, हम तो हर होखे वाला बच्चा के ओकरा के खुशखबरी भी देनी है और मिठाई भी खेले रहली। पूजा, तारा शालू से नाम मिले के चाहत रहा, वो अच्छा लड़की नहीं भैया। माई से जब ओकरा पता चलल कि तू माई बने वाला बाड़ू, तू तारा पास आ गई। का है वो कब से हमने के हमदर्द हो गई? ओकर इंटेंशन कुछ सही नहीं बा, बहुत जिद्दी भी है। तारा और हमरा के लेके उकर मन में अच्छा विचार नहीं बा। बेटा, हमरा के तो लेके नीक लगल, पूजा खातिर कितना चिंता रहल ओकरा मन में। सब नाटक है ओकर, वो जरूर कोनो खास वजह से तारा पास और पूजा के पास आई होगी। हमरा के लगत बा, लगत का बा, हमरा पूरा यकीन बा कि उहे कुछ कैले भी आ। ओकरा अइला के बाद ही पूजा के तबियत खराब भइल रहल। बदला ले लेलस हमरा से, हमार बच्चा छीन लेलस हमनी सब से। उहे कैले बिया ई सब, उहे कैले बिया। ओकरा के हम ना छोड़ब, ओकरा के अभी जवाब देवे के पड़ी। शालू कहाँ है? क्या बात है, आप इतना गुस्सा में काहे हैं? गुस्सा में नहीं है, हमारा खून भी खौल रहा है, जल्दी से बुलाइए उसको। लेकिन बात का है, ये तो बताइए। आप उसको बुलाइए पहले, सब पता चल जाएगा आपको। अरे सम्राट, तुम यहाँ? मैं बता नहीं सकती तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मैं भी नहीं बता सकता कि तुम्हारे इस घिनौनी हरकत की वजह से मुझे कितना दुख पहुंचा है। नफरत और घृणा की आग ने तुम्हारे दिल और दिमाग को जला दिया है, पागल हो गई हो तुम। एक पागल लड़की ही ऐसा कर सकती है जो तुमने किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या किया है मैंने? इतनी बेशर्म मत बनो शालू। क्या किया था मेरी पूजा ने तुम्हारे साथ? क्यों उसकी खुशियों को छीन लिया तुमने? लड़की होकर दूसरे लड़की के साथ ऐसा करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? का किया है इसने? का किया है? इसने हमारी पूजा का कोख उजाड़ा है। कल ये हमारे घर आई थी, पता नहीं इसने पूजा के साथ क्या किया कि इसके जाने के बाद ही हमारे बच्चे का नुकसान हो गया। ये झूठ है, ये सब हमने किए हैं। तुम ही ने किया है शालू, झूठ बोल रही हो तुम। तुम पूजा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मौका तलाश कर मेरे नहीं रहने पे तुम पूजा के पास गई थी। तुम हमें गलत समझ रहे हो सम्राट, हम तो पूजा को अपनी बहन जैसा मानते हैं। हम वहाँ सिर्फ उसका हालचाल लेने के लिए गए थे। क्यों गई? जब तुम्हें मेरी माँ से पूजा के हालचाल का पता चल चुका था, फिर दोबारा पूजा के पास क्यों गई? तुम पूजा के साथ चाय पी और उसके बाद ही हमारे बच्चे का नुकसान हुआ। मुझे तो शक है
कि जरूर तुमने चाय में ही कुछ मिलाया था। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं है। हम वहां सिर्फ चाय पीने गए थे, कसम से। बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हमारा विश्वास करो सम्राट, हम ऐसे नहीं हैं। तुम चाहे मानो या ना मानो, हमारे दिल में, मन में सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे। फिर तुम ही बताओ, हम तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकते हैं। झूठ है, बकवास है। तुम मुझसे नहीं, अपने अहम से प्यार करती हो। जो चीज नहीं मिला उसे तोड़ दो, बर्बाद कर दो, ये फिलॉसफी है तुम्हारी। और एक बात, जो लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उनकी खुशियों में आग नहीं लगाते। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं सम्राट, तुम हमें गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, और तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, ये कान खोल के सुन लो। आज के बाद तुम मेरे या मेरी माँ के घर के अगल बगल भी फटकी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आज के बाद पूजा को कोई तकलीफ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझूंगा। और ये सब तुम्हें अभी सिर्फ शक के आधार पर कह रहा हूं। अगर ये सब सच हुआ तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। शालू, ये कहा क्या तुमने? हाँ, इतना घिनौना काम। अरे बदला लेना तड़पाना अलग बात है, लेकिन एगो औरत का कोख उजाड़ना एगो मासूम का कत्ल करने के बराबर है। का कोनो लड़की बदला लेने के लिए इतना जलील काम भी कर सकते हैं? भाभी, अब आप भी? भाभी, ये सब झूठ है, सम्राट झूठ बोल रहा था। कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच, हम सब देख रहे थे। तुम सम्राट को बेवकूफ बना सकती हो, हमको नहीं। सम्राट को तुम्हारे काला जादू के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको पता है। तुम पूजा के घर बिना कोनो मतलब के तो गई नहीं होगी। तुम्हारा इरादा जरूर उसको नुकसान पहुंचाना ही रहा होगा, और तुमने जरूर पूजा पे काला जादू किया है जिससे उसके बच्चे का नुकसान हो गया है। अभी उस समय है, संभल जाओ, काले जादू से पीछा छुड़ाओ। अगर सम्राट पुलिस में चला गया तो तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। दीदी के पाउडर का असर इतना तगड़ा होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये तो पूजा और सम्राट की बर्बादी की शुरुआत है, आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ। तेरे देख के हमार मन भी दुखी हो जाला। पूजा, डॉक्टर भी कहले बड़ी, माई भी कहले बड़ी कि तू फिर से माई बन सकेलू, तो कहाँ है? खुद में हिम्मत नहीं लेबू तो कैसे चली?
बताओ कहां से लाई है पर टूट गई ले अब ब्याह के बाद दूसरा लोग के पास सुनकर हमने उड़ा के अपना से दूर कर दिया ली फिर जब लागल के सब ठीक हो जाए तारुआ हमरा से दूर चल गई थी अब जब लागत रहे कि हम रुआ के सगरो कुछ ही दे सकब तो हमरी वजह से भाई बाबूजी के कितना अरमान रहे अपना पोता पोती के हम सब कर खुशी चिल ले ली हम सब कर खुशी चिल ले ली पूजा तू काहे खुद के बार बार दोषी माने लू जौन कुछ भी भइल वो एक हादसा रहल सिर्फ हादसा तू मत रोवा चुप हो जा पूजा सब ठीक हो जाए पूजा एक बात कही तू आइंदा से कबो शालू से संपर्क रखे की कोशिश मत करिया ना ओकरा के घर में घुसे दिया और ना ही फोन से कांटेक्ट रखिया तका शालू ही सब सचमुच पता ना पर वो तो कहत रहे कि वो कुछ नहीं कहले भी है हो सके तो वो सच कहत होके पर ओकर मन साफ नहीं बा वो हमरा से बदला लेवे के चाहती है वो सोचा दिया कि हम ओकरा के धोखा देले बानी जबकि ऐसा कुछ नहीं बा वो हमरा से एक तरफा प्यार करत रहे हम ओकरा के इतना समझौली कि हमने सिर्फ दोस्त बानी सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं पर वो जिद्दी लेकी कुछ भी माने के तैयारी नहीं थे जब ओकरा पता चला कि हम शादीशुदा बानी तो हमरा के धोखाबाज समझे लगल बेवजह दिल के तार बना के बदला लेवे पे उतारू हो गई ऐसे कहा था नहीं पूजा तू ओकरा से चार हाथ दूर ही रही का भाई ये तरह कहे देखा तड़ो पता नहीं हमरा काहे लागत था कि आप हमरा से फिर से दूर हो जाए चालू रहुआ के हमरा से फिर से दूर कर दी पूजा ऐसा बात जुबान पे काहे ले आओ तड़ो अब ऐसा कबू ना होगी निश्चिंत रह अब हमने के क्यों अलग नहीं कर सकेला क्यों नहीं सुनिए हम कल रात से एक बात कहना चाह रहे थे ये ना कल सम्राट आया था सम्राट आया था हाँ काहे शालू पे इल्जाम लगा के गया है कि शालू ने बदला लेने के लिए पूजा का होने वाले बच्चे का नुकसान कर दिया है शालू तो मना कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है पर हमको बहुत डर लग रहा है शालू के सर पे पूजा और सम्राट को तड़पाने का भूत सवार है इसके खातिर वो काला जादू का सहारा भी ले रही है कहीं वो काला जादू वादू के चक्कर में पूजा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर बैठी अगर शालू ने ऐसा किया है तो वाकई गलत किया है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था सम्राट बहुत नाराज था उसने शालू को धमकी भी दिया है कि अगर शालू उसके घर के आसपास भी फटके तो बहुत बुरा होगा और इहो कह के गया है कि पूजा का होने वाला बच्चा शालू की वजह से गिरा है अगर यही बात सच हुआ तो वो शालू को नहीं छोड़ेगा क्या करेगा हैं क्या करेगा वो पहले तो धोखा देता है और अब धमकी देता है देखिए
गलती उसका नहीं है, गलती शालू का है। कोनो औरत का कोख गुजर जाए तो क्या बीतता होगा उसके पति पर, जरा सोचिए। अरे भाई, तो ये काम सालुए का है, इसका कोनो सबूत है का उसके पास? सम्राट, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमको धमकी नहीं देना चाहिए था। बाबूजी, बाबूजी, कामिन, बाबूजी इनका